पाकिस्तान में क्या चल रहा है, सब जगह पे महंगाई बढ़नी शुरू हो चुकी है, इनके अंदर बैंकों का क्या रोल है, ये बैंकों की जो व्यवस्था है ये व्यवस्था कौन लेके आया था, क्या इससे पहले आप लोगों की मुद्रा चलती नहीं थी क्या? तो जो अंग्रेज शासक हमारे देशों में बैंकों की व्यवस्था लेके आए थे उसके बारे में जानने की कोशिश करो और सिस्टम से थोड़ा अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू करो, चाहे वो आपका खान पान है, चाहे वो आपका पैसा है, या आपकी कोई और फैसिलिटी है, चाहे वो आपका पानी है या आपकी बिजली है, इन सब चीजों के लिए आपको सिस्टम से इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। आपको अपने पानी की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी, सरकार के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपेंडेंट होना छोड़ दो। दूसरा, आपकी बिजली जो है, अगर आप सब मिलके कहीं पे बायोगैस प्लांट लगा सकते हो तो वो प्लांट लगाओ, उससे बिजली प्रोड्यूस करो, उस बिजली का इस्तेमाल करो, डिपेंडेंट मत हो सिस्टम के ऊपर। खाने की जो बात है उसके अंदर आपके आसपास वाले जितने किसान हैं, अपने किसान भाइयों से जुड़ो डायरेक्टली, उनसे बात करो कि हाँ ये एक एकड़ या दो एकड़ आप सब लोग जो है हमारे इस मोहल्ले वालों के लिए आप ये फल सब्जियां लगाओ, हम आपसे खरीदेंगे, ताकि उनको भी उचित दाम मिल जाए और आपको अच्छी सब्जियां मिल जाए, बिना जहर वाली, जिसमें कोई चीज ऐसी एडिट नहीं है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। तो इस प्रकार से उनसे जुड़िए। उसके अलावा अगर आप ये सोचते हैं कि कोई एक्सक्यूज अभी बच गया है, तो मैं ये साफ साफ कहना चाहूंगा कि बहाने किसी के पास भी हैं तो उसका समय निकल चुका है। इसके बाद आपको बार बार समय नहीं मिलेगा, बार बार वार्निंग्स नहीं मिलेंगी आपको। ऑलरेडी हमारे पास बहुत कम समय है, अभी 1.5 से 2 महीने के अंदर सरकार मॉनसून सत्र के अंदर इस कानून को लेके आने वाली, जिसका नाम पब्लिक हेल्थ बिल है, जो 2017 में तैयार कर लिया गया था, उसके अंदर वो सब बातें हैं जो आज आप सब लोगों से की जा रही हैं। पिछले 2 साल से जो आप सब से किया जा रहा है, जो आप सबको दूरी के लिए कहा जाता है, उन सब शब्दों की व्याख्या उस कानून के अंदर पहले से है। सोचने पे मजबूर हो जाइए कि क्यों लिखा उसके अंदर उन्होंने, उस समय पे क्यों उन्होंने ये लिखा कि आप लोग घरों के अंदर बंद हो जाइए। ये सब बातें 2017 में क्यों कर रहे थे वो लोग, जो दूसरी विश्व की संस्थाएं हैं वहां पे उन लोगों ने ये प्रोग्राम चला रखा है, वो साफ साफ लिखते हैं। उस संस्था का नाम लिखूंगा तो हो सकता है वीडियो डिलीट हो जाए, लेकिन उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि 2025 तक ये काम चलेगा। ये जो लगा रहे ना आपके ये हाथों में, ये 2025 तक चलेगा। जो लोग पहले कहते थे कि नहीं आएगी इसके लिए, आई, और आने के बाद दूसरी भी आई, अब तीसरी आ चुकी, तीसरी लग रही है, चौथी भी है इनके पास, फिर पांचवी लगाएंगे, पता नहीं कब रुक जाएंगे, फिर कोई नई बीमारी आ जाएगी, और बीमारी के नाम पे आपके सारे अधिकार छीनने के लिए ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। और हमारे बहुत से भाइयों को, जो हमारे क्रांतिकारी भाई बहन जो भी सुन रहे हैं, जो हमारा परिवार है पूरा वो सुन रहा है, उनको आज भी ये डाउट है कि सिर्फ और सिर्फ कागजों से एक लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो भाई कागजों से बाहर जा रही है लगातार बातें। ये जो कानून आ रहा है जिसका नाम है पब्लिक हेल्थ बिल, उसके अंदर उन लोगों ने यह भी प्रावधान कर दिया है कि वो आपके पोस्टल पार्सल तक को रोक सकते हैं, आपकी चिट्ठियां जो आज आप सरकार को लिखने की बात करते हो, आपको लगता है कि हम सरकार को चिट्ठी लिख देंगे, हम कोई जवाब मांग लेंगे उनसे, हम RTI लगा देंगे तो आपके वो सब अधिकार खत्म हो जाएंगे रातों रात। उनका मन करेगा तो आपकी चिट्ठी रिसीव करेंगे, उनका मन नहीं करेगा तो आपके नाम के आगे कांटा लग जाएगा, चिट्ठी रिसीव नहीं करेंगे आपकी। किसको लिखोगे चिट्ठियां? जब हाथ से सारा समय निकल जाएगा उसके बाद अगर जागोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। आज समय रहते जाग जाओ और इन सब चीजों का विरोध करो, जितना कर सकते हो उतना कम है इस समय पे, जितना आपस में जुड़ सकते हो जुड़ जाओ, और सिस्टम से अपने आप को जितना इंडिपेंडेंट कर सकते हो उतना इंडिपेंडेंट हो जाओ, और सरकार जो आपसे लगातार टैक्स मांग रही है इनसे सवाल उठाना शुरू करो कि ये टैक्स का पैसा तुम हमारा इस्तेमाल कहां कर रहे हो। एक तरफ महंगाई आ रही है, सब कुछ हो रहा है, और दूसरी तरफ आप यहां सारी जगह पे सर्विलेंस कर रहे हो, दुनिया जहान के आपने वो कैमरा इंस्टॉल कर दिए जो फेशियल रिकॉग्निशन से चलते हैं,
आपके समय समय भी हर एक मूवमेंट आपकी कैप्चर की जा रही है। ये लोग आपकी हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं। आपकी जेब में जो मोबाइल पड़ा हुआ है, आप लोगों को शायद पता भी नहीं है, इन मोबाइल के माध्यम से जो सॉफ्टवेयर इनमें एम्बेडेड आते हैं, जो बाय डिफॉल्ट इन कंपनियों के सॉफ्टवेयर डल के आते हैं, उन कंपनियों का पीछे क्या उनकी सोच है, क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं वो लोग, जानिए उनके बारे में, थोड़ा खोज कीजिए। अगर नहीं मिलता है तो हमारी वीडियो देखिए पुरानी, आपको मिलेंगी सारी बातें। उन सॉफ्टवेयर को चेंज करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अभी लग जाइए। ये पैसा, समृद्धि, जमीन जायदाद कुछ काम नहीं आएगी आने वाले समय में। जो आपके आपसी रिलेशंस है ना, जिन लोगों को आप जानते हो, मिल रहे हो, जुल रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है इस समय पे। सिर्फ और सिर्फ उस मुद्रा जो आज आपके वो कागज के नोट चल रहे हैं, जिसपे लिखा है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वायदा करता हूं, वो वायदे की रसीद जिसकी वैल्यू हर साल घटती है, बढ़ती नहीं है। आप बताओ पिछले 5 सालों में वैल्यू घटी के बढ़ी? और आप अगर पिछले 30 साल पहले का इतिहास देखते हो, तब भी अगर रुपए की वैल्यू घटी के बढ़ी, घटी है ना, तो वो जो कागज के टुकड़े हैं वो आपको कुछ न्याय नहीं देंगे। उससे अगर आप सोचते हो कि उसको एकत्रित कर ले, उसको इकट्ठा कर ले और उसके बाद हम कुछ कर लेंगे, तो वही बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज जो सही संपत्ति है आपकी, उसको पहचानना सीखो। जैसे हमारी माताएं बहनें और हमारी बहू बेटियां जो पहले इन चीजों को समझती थी, वो कहती थी कि हमारे घर में जेवर उनको रखे रहने दो, सरकार ने आपके वो जेवर भी निकलवा लिए, ये कह दिया कि इसके ऊपर आपको ठप्पा लगवाना पड़ेगा। आप याद करो, आज जो नया लेने जाते हो और सरकार ने उस पर वही वो ट्रायंगल वाला एक वो लगाया, उस पर निशान लगाने की शुरुआत कर दी है, वहां पे भी उन्होंने वही डिजाइन इस्तेमाल किया है और उसके माध्यम से उसकी एक चेन बनाई जाएगी। आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा कि आपके घर में कितनी संपत्ति है, जो वाक्य में संपत्ति होती है। इन लोगों ने आपको कहा कि हमारे से गोल्ड बॉन्ड ले जाओ, बड़ा साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चल रहा है। एक्चुअल में आप लोगों के साथी कौन है, उनको जानने की कोशिश कीजिए, उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए, जुड़िए उनसे। जितना समय लगा सकते हो उतना कम है इस समय पे। इसके बाद शायद आपको बार बार मौका, हम आपके लिए इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन आने वाले समय में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी और ऐसा पॉसिबल हुआ तो हम समय समय पे आपके पास पहुंचेंगे। आपको जो भी जरूरी चीजों की आवश्यकता होगी, जो भी ज्ञान की आवश्यकता होगी, कोई जागरूकता की आवश्यकता होगी, हम आपको समय समय पे आके देंगे। और जो भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी हम सब मिलके बनाएंगे। जो भी सब लोग इस समय पे लड़ रहे हैं इस चीज के लिए, वो सभी योद्धा है अपने आप में, वो अपने आप में सभी कुछ ना कुछ इस महाभारत के रन में कुछ ना कुछ भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि वो जाग चुके हैं। तो ये एक धर्म की लड़ाई है और धर्म किसी एक या भगवान या उससे रिलेटेड नहीं होता। धर्म की परिभाषा जो समझता है उसको पता है धर्म का सही मायने क्या होते हैं। तो धर्म और धर्म अधर्म, ये दो ही चीजें होती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कोई खास रंग की चीज पहनता है तो वही धर्म है, ऐसा नहीं होता। आप लोग जानने की कोशिश कीजिए कि धर्म होता क्या असली में। धर्म के नाम से अगर आपको कोई बरगला रहा है तो आपको वो भी जानना होगा। किसी एक खास रंग के तौर पे आपको कहे कि यही धर्म है और दूसरा धर्म नहीं है, तो ऐसे गलतियों में मत आ जाना। उन चीजों को जानो। और अभी के लिए मैं अपनी वाणी को इतने पे विराम दूंगा। आप सभी को धन्यवाद ये सब बातें सुनने के लिए, और हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्ते, वंदे मातरम।